Hey and welcome back to my channel. This is Megha and you're watching Megha's Beautyland. Today's video is all about Color Bar Perfect Match Primer. So without further delay, let's get started the video. So the very first point is price and packaging. अगर हम इसके MRP की बात करें तो इस पे MRP है 825 इंडियन रुपीस, बट ये आपको Amazon और Nykaa पे 600-700 में इजीली मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। अगर हम इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम सी पैकेजिंग है इसकी, और इसका जो ट्यूब है वो ट्रांसपेरेंट कलर का है, और इसकी जो कैप है वो सिल्वर एंड मिरर लुक में है। सो इसका जो कैप है उसको आप एज अ टेम्परेरी मिरर भी यूज़ कर सकते हो, एज यू कैन सी, एंड इससे आप अपना टचअप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इस ट्यूब के ऊपर एक नोज़ल है जिससे कि प्रोडक्ट को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा हाइजीन और इजी हो जाता है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करना बहुत ही इजी हो जाता है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। ये प्रोडक्ट काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है बिकॉज इसका जो पैकेजिंग है वो स्लिम है, और इसका जो कैप है आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइट बंद होता है, तो ये इजीली ओपन नहीं हो। सो द सेकेंड पॉइंट इज टेक्सचर एंड एप्लीकेशन। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और वेलवेटी काइंड है, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम यूज़ होती है। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप है, और ये किस हद तक ऑयल को कंट्रोल करता है सो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इस प्राइमर के ऑयल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फेस पे ऑयल अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरा फेस एक्स्ट्रा ऑयली हो जाए और आप क्लियरली इस प्राइमर के डिफरेंस को नोटिस कर सको। हाफ फेस पे प्राइमर को अप्लाई करूँगी। तो आपको सिर्फ एक पी साइज क्वांटिटी की ही ज़रूरत होती है अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। इस प्राइमर को अप्लाई करने से पहले हम इसके थोड़ा सा वॉर्म करेंगे अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर, एंड देन हम इसको अपने वन साइड पे अप्लाई कर लेंगे। नाउ आई एम डन विथ माई प्राइमर एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ साइड। राइट साइड पे मेरे इस प्राइमर ने काफ़ी अच्छे से ऑयल को कंट्रोल किया हुआ है। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द ओरिजिनल वीडियो। सो द थर्ड पॉइंट इज इंग्रेडिएंट लिस्ट। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट पैराबेन फ्री, बट इट्स टोटली ओके टू यूज दिस प्रोडक्ट ओकेजनली। So the fourth point is shelf life. अगर हम इस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ की बात करें तो इस पे हमें 2-3 इयर्स की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। सो टाइम फॉर फाइनल वर्डिक्ट। दिस प्रोडक्ट इज लिटिल बिट ऑन एक्सपेंसिव साइड, बट आई कैन से इट इज टोटली वर्थ ऑफ इट because this product will last for 2-3 years and it is one time investment. So ये था आज का रिव्यू वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। टिल देन बाय।